हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जो कि क्लास टेंथ की मैथ का चैप्टर है स्टैटिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, और एक्सरसाइज है 13.2 और टॉपिक है माध्यिका, मीडियन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जनरली जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो बात करते हैं माध्यिका, ये क्या होता है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो हमें मिलेगा मध्य प्लस अंक, इसे हम माध्यक भी कहते हैं। माध्यक का मीन्स हो गया मध्य का अंक, मीन्स अगर हमने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे जैसे 2, 3, 4, हम कहें इसमें से माध्यक बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो गया इसका माध्यिका या बीच वाला नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट है 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें से कहा जाए कि माध्यिका या फिर माध्यक बताइए, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, ये 4, 4 इसका माध्यक हो जाएगा या माध्यिका हो जाएगा। कैसे इसको ज्ञात करते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो यहां पर हमें दो चीजें पहले जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज, जो हमें आंकड़े दे रखे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आंकड़ा होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़े जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ये क्या होते हैं, जब भी आंकड़े हमें इस तरह से बिखरे हुए दे रखे होते हैं इस तरह से, तो इस तरह के आंकड़े वो कहलाते हैं, वो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। इस तरह के अगर हमें आंकड़े दे रखे हों और माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें हमें दो फार्मूले दिए हुए हैं। कौन कौन सा, पहला है जब आंकड़ों की संख्या सम हो, आंकड़ों की संख्या विषम हो, पहले विषम देख लेते हैं, विषम हो मींस जो n होती है, जैसे यहां पर कुल आंकड़े कितने हैं 3, यहां पर कुल आंकड़े कितने हैं 5, 5 नंबर्स दे रखे हैं। तो इसी तरह से जब हमें आंकड़े इस तरह से दे रखे हों कि वो विषम संख्या मिले 3, 5, 7, 9 इस तरह के, तब उस डेटा से हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए सूत्र होता है माध्यिका, इसे एम ई से प्रदर्शित करते हैं या पूरा लिख लेते हैं मीडियन। क्या होता है ये, ये होता है एन बटा दो, यहां पर एन प्लस वन बटा दो व पद। एन क्या है, जहां एन आंकड़ों की संख्या है, आंकड़ों की संख्या कुल कितने नंबर है वहां पर। इसी तरह से नेक्स्ट है जब आंकड़ों की संख्या सम हो,
तब किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो यहां इसको ज्ञात करने के लिए माध्यिका एम ई इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन बटा दो व पद प्लस एन बटे दो प्लस वन व पद और इन दोनों के योगफल का आधा। कब? जब एन कैसा है? सम है। और यहां पर जब एन कैसा है? विषम है। तो इस तरह ये दो फार्मूले हो गए जिनसे हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है सेकेंड, जब हमें आंकड़े दे रखे हो वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़े, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। तो इसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका मीडियन इज इक्वल टू माध्यिका बराबर एल प्लस, यहां पर प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहां एन क्या है? जहां एन होता है जो भी हमें बारंबारता दे रखी होती है उनका योग, बारंबारताओं का योगफल। और ये एफ क्या है? ये होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। और सी एफ क्या है? ये होता है जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इसे अंग्रेजी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आर एच ये होता है जो भी वर्ग अंतराल है उसका अंतर, तो वर्ग अंतराल जो भी वहां पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा उसमें कितने कितने का डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों से किस तरह से हम माध्यिका निकालते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज है 13.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। पहला क्वेश्चन दिया है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो सबसे पहले क्या निकालना है? जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो यहां पर जो भी आंकड़े होते हैं उसे हम x से डिनोट करते हैं या कैपिटल x से, इसे कैपिटल x से डिनोट करते हैं। तो आंकड़े x बराबर सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है
वो होती है दो, इसके बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, फिर ग्यारह है, ग्यारह भी किसी से डिवाइड नहीं होता, इसके बाद तेरह है, तेरह के बाद सत्रह, सत्रह के बाद उन्नीस, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसके बाद इक्कीस हो जाता है तेईस, तेईस के बाद कितना आएगा, पच्चीस भी हो जाएगा, छब्बीस भी हो जाएगा, सत्ताईस भी हो जाएगा, अट्ठाईस, उनतीस। तो यहां पर हमें आंकड़े ये मिल गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। सबसे पहली चीज ये जरूरी है, जो भी आंकड़े हमें दे रखे हो वो हमेशा आरोही क्रम में रहने चाहिए, मींस असेंडिंग ऑर्डर में रहने चाहिए। तो ये पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो n का मान यहां पर कितना हो गया, कुल कितने नंबर्स हैं, कितने हैं, दस हैं, जो कैसी है, एक सम संख्या है। और जब सम संख्या होती है तब हम फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला सेकंड नंबर का, तब माध्यिका, एम ई कितना हो जाएगा, एक बटा दो, फार्मूला होता है एन बटे दो वा पद प्लस एन बटे दो प्लस वन वा पद। सॉल्व करेंगे इसे, एक बटा दो एन, एन की वैल्यू यहां पर कितनी है, दस बटे दो वा पद प्लस ये कितना, एन के स्थान पर दो, सॉरी दस बटे दो प्लस वन वा पद। सॉल्व करने पर एक बटा दो ये कितना मिलेगा, दो से डिवाइड कर देंगे तो पांच, तो ये हो गया पांचवा पद। और यहां पर ये दो पंजे दस, तो पांच और एक छे, तो ये मिल गया छवां पद। तो यहां पर एक बटा दो पांचवा पद गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, पांचवा पद कितना है यहां पर, ग्यारह है, प्लस छवां पद कितना है, तेरह है, तेने जोड़ लेंगे कितना मिलेगा, एक बटा दो, ग्यारह और तेरह कितना हो जाएगा, चौबीस, इसे भाग कर देंगे कितना मिलेगा, दो बारह में चौबीस, तो माध्यिका आ गई बारह है, एम ई माध्यिका बारह। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा था ग्यारह, दूसरा ऑप्शन दे रखा था बारह, तीसरा ऑप्शन था तेरह और चौथा ऑप्शन था चौदह है। तो बी ऑप्शन इसका कैसा है, करेक्ट है, बी ऑप्शन बारह कैसा है, करेक्ट है, और ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आठ अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, क्वेश्चन नंबर दो। तो यहां पर पहले कितने दस अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछी थी, अब कहा है यहां पर दस के स्थान पर आठ कर दिए गए हैं, तो अभाज्य संख्याएं तो यही रहेंगी यहां तक, उन्नीस तक, यहां तक, और आंकड़े हमें कितने मिल जाएंगे, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह और उन्नीस। तो आठ भी कैसी होती है, एक सम संख्या होती है, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। दूसरा इसका तरीका यह है, कुल ये कितने नंबर्स होते हैं, शॉर्ट जो मेथड है, अगर इतना लंबा चौड़ा ना करें तो उसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, कैसे करेंगे, कुल कितने अंक हैं यहां पर, आठ अंक हैं, तो क्या करना है, इसे दो भागों में तोड़ेंगे, इसे कितना लिख सकते हैं, चार प्लस का चार, तो इनमें से क्या करना है, एक एक कम करना है, तो तीन हमें इस साइड के और तीन इस साइड के नंबर छोड़ देने हैं, तो यहां पर कितने बचेंगे, दो, इस तरह से बचेंगे, तो बीच के हमें क्या करना है, दो नंबर जोड़ लेने हैं और उनको दो से भाग कर देना है।
तो यहां पर कैसे करेंगे, आठ संख्याएं हैं तो इनमें से तीन इधर से छोड़ दिए और तीन बाद के छोड़ दिए, तो हमें अंक मिल जाएंगे सात और ग्यारह। तो माध्यिका माध्यिका कितनी हो जाएगी, एक बटा दो सात प्लस का ग्यारह, ये शॉर्ट मेथड है। तो एक बटा दो सात और ग्यारह कितना हो गया, अठारह। तो दो नेम अठारह, तो यहां पर आंसर आ गया नौ। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका भी ऑप्शन बी, ऑप्शन बारह दे रखा है, सॉरी नौ दे रखा है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थ्री, क्या कहा है, यदि आंकड़ों तीन पांच सात, तीन पांच सात एक्स और एक्स प्लस दो पंद्रह सत्रह और इक्कीस, ये दे रखा है जो कि आरोही क्रम में लिखे गए हैं, तो ये पहले से ही हमें बताया गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, इन्हें हमें अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। कहा गया है इसकी माध्यिका 12 है तब x का मान क्या होगा, तो यहां पर हमें माध्यिका दे रखी है, तो माध्यिका दे रखा है कितना 12। अब गिन लेते हैं यहां पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, मींस n कितना दे रखा है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, n का मान हो गया आठ, जो कि कैसा है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या होता है तब हमें सम वाला फार्मूला यहां पर लगाना है, माध्यिका एम ई इज इक्वल टू कितना होता है, एक बटा दो एन बटे दो वा पद प्लस एन बटे दो प्लस वन वा पद। सॉल्व करेंगे, एक बटा दो यहां पर माध्यिका हमें पहले ही बार है दे रखा है, एन का मान कितना है आठ बटे दो वा पद प्लस यहां पर भी आठ बटे दो प्लस वन वा पद, तो ये दो चौके आठ, दो चौके आठ, तो ये कितना मिल जाएगा, एक बटा दो चार वा पद प्लस ये हो गया चार और एक पांच वा पद, तो यहां पर एक बटा दो चारवां पद, चौथा पद इसमें कितना है x, ये चौथा पद हो गया और ये पांचवा पद हो गया, चौथा पद है x और पांचवा पद है x प्लस का टू, इधर बारह है तो इधर दो, ये बारह के गुणा में चले आएंगे तो बारह गुणा दो हो गया, इधर x और x कितना हो गया 2x प्लस का टू, तो ये हो गया चौबीस, दो इधर ले आए माइनस का हो गया ये 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से दो माइनस कर देंगे कितना मिल जाएगा 22, तो यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं, दो ग्यारह x बराबर कितना मिल गया 11, x का मान आ गया 11 और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर खंड है बा और वर्णनात्मक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है वन, क्या है दिया है, एक स्कूल के अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिदिन 147 दिनों तक दर्ज की गई थी तथा प्राप्त आंकड़े निम्न बारंबारता सारणी में प्रस्तुत हैं, और एक सारणी दी गई है अनुपस्थित छात्रों
की संख्या और नेक्स्ट दिनों की संख्या। कितना दे रखा है? अनुपस्थित छात्रों की संख्या यहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 और 20। दिनों की संख्या 1, यहां पर नेक्स्ट 5, 11 है, इधर 14 है, 16 है, 13, 10, 70, 4 और 1, 1, 1। इतना हमें टेबल दे रखी है और कहा गया है आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करना है? यहां पर हमें से माध्यिका पूछी गई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करना होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या शॉर्ट में सीएफ। यहां पर कैसे निकालते हैं इसे? एक ऐसा का ऐसा ही पहला, फिर इसमें क्या करेंगे, जो भी हमें ये मिला है उसमें नेक्स्ट वाला नंबर ये ऐड कर देंगे, 1 + 5 कितना मिलेगा? 6। फिर 6 में क्या करना है? 11 को जोड़ देना है, 11 और 6 कितना आ जाएगा? 17। 17 में क्या करना है? अब 14 जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा? 7 और 4, 11, 1 और 1, 2 और हासिल का 1, 3 हो गया। नेक्स्ट 31 में 16 जोड़ने हैं, तो 6 और 1, 7, 1 और 3 कितना हो गया? 4। 47 में 13 जोड़ लेना है, कितना मिलेगा? 3 और 7, 10, 4 और 1, 5 हो गया और 1 हासिल का 6, ये मिल गया 60। 60 में 10 जोड़ना है, ये मिल जाएंगे 70। 70 में 70 जोड़ेंगे, ये कितना मिल जाएगा? 140। 140 में 4 जोड़ेंगे, 144। 144 में 1 जोड़ेंगे, मिल जाएगा 145। 145 में फिर 1 ऐड करेंगे, मिल जाएगा 146। अभी एक और रह गया है, 146 में एक और ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 147। दिनों की संख्या ये टोटल हमें पहले ही दे रखी है, n बराबर 147, 147 दिनों का ही दे रखा है, तो n का मान पहले ही दिया हुआ है। अब n का मान यहां पर कितना है? 147, जो कि कैसा है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या होता है तो जो माध्यिका होती है वो कैसे निकालते हैं? माध्यिका बराबर कैसे निकालते हैं? एन प्लस वन बटे दो व पद। तो यहां पर 147 प्लस 1/2 व पद कितना हो जाएगा? ये 147 और 1 कितना हो जाएगा? 148/2 व पद कितना हो गया? ये 2 से भाग दे देंगे, 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8, 74 व पद। अब हमें ये 74वां पद कहां से देखने को मिलेगा? तो उसे हम चलते हैं संचयी बारंबारता में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां तक हमें कितने पद मिले हैं? 70 पद मिले हैं, और 74वां पद किसमें है? वो जैसे ही 71वां पद आते हैं तो वो इसमें आकर के जुड़ गया है, तो 74वां भी
इसी में होगा। 71 से लेकर के 140 तक पद सारे के सारे इस वाले वर्ग अंतराल में हैं। जो कौन सा है, यहां पर ये वाला वर्ग अंतराल, तो हम कह सकते हैं 74वां पद है वो भी कितना है, 12 है। तो यहां पर 74वां पद कितना हो गया, 12। तो माध्यिका आ गई कितनी, 12, और यही इसका आंसर हो गया।